हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है आपका आई एस पी एस सी सोल्यूशन में। मैं हूँ अभिमन्यु। देखिए, इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हुए सम्मेलन एवं समारोह से प्रमुख एमसीक्यूज डिस्कशन करेंगे। और देखिए, मैं जो है टॉपिक वाइज स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इंटरनेशनल करंट अफेयर, बुक से रिलेटेड या जो भी करंट अफेयर है, टॉपिक वाइज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। तो ये हमारा सीरीज जो है, ये आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्वेश्चन जो है वो कैसा है वो भी जरूर बताइएगा। और देखिए, ये जो करंट अफेयर है ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे आप बीपीएससी दे रहे हो, सीडीपीओ, बिहार एसएससी, रेलवे, आरएएस, यूपीपीसीएस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप कमेंट में हमको जरूर बताइएगा कि ये जो हमारा सीरीज है वो कैसा लग रहा है। ये 2017 से लेकर के 18 तक, अभी तक का जो करंट अफेयर है इसका सीरीज हमारा चल रहा है। तो चलिए, अब एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज बताना चाहता हूँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक चीज और, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहां पे सारा पीडीएफ आपको, ये सारा का सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब पहला प्रश्न शुरू करते हैं। 12 से 16 जनवरी 2018 के मध्य 12 से 16 जनवरी 2018 के मध्य 22वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 22वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव, इसका आयोजन जो है वो 12 से 16 जनवरी 2018 के बीच में कहाँ किया गया? ये किया गया था जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन किया गया था, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का। ये 22वां संस्करण था, तो आप इसको भी याद रखिएगा, ये 22वां था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए, एक चीज और बताना चाहता हूँ कि वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, या जब भी टाइम मिले उसी समय आप वीडियो को देखिए, लेकिन पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि कोई भी प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण हो सकता है, कोई भी प्रश्न, एक प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो एक एक प्रश्न जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, दूसरा है 27 से 31 दिसंबर 2017, 27 से 31 दिसंबर 2017 के मध्य 25वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, 25वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है वो किया गया 27 से 31 दिसंबर 2017 में, लेकिन ये कहाँ किया गया ये पूछा जा रहा है, ये किया गया गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया। और एक चीज़ और, आप लोग मॉर्निंग में जो है 8 बजे रेडी रहिएगा, आप लोगों का टेस्ट होगा। ठीक है, और मैं अपने शहर वापस आ गया हूँ, यहाँ पे आपका जो भी प्रॉब्लम था वो दूर हो गया है, अब इंटरनेट प्रॉब्लम भी नहीं है, तो सारा का सारा जो है 8 बजे आप लोग रेडी रहिएगा, टेस्ट अब ऑनलाइन होगा, दोनों टेस्ट जो है आपका बीपीएससी का अब लगातार चलेगा। तो चलिए देखिए, 27 से 31 दिसंबर 2017 के मध्य 25वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है वो गांधीनगर गुजरात में किया गया, और इसका मेन जो थीम था, मेन विषय था वो क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेन थीम पूछा जाता है, सतत विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मेन थीम था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 21 से 22 दिसंबर 2017 के मध्य 17वें भारतीय विज्ञान संचार कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी काफी महत्वपूर्ण है, 17वां भारतीय विज्ञान संचार कांग्रेस, इसका आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? इसका किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में, तो आप याद रखिएगा। और इसका जो मेन थीम था वो क्या था, इसका मेन थीम था कम्युनिकेटिंग इंडिया साइंटिफिक विजडम चेंजिंग पैराडाइज। ठीक है, ये इसका मेन थीम था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 15 से 17 दिसंबर 2017 के बीच, 15 से 17 दिसंबर 2017 के बीच विश्व वेद सम्मेलन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, विश्व वेद सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? ये भी किया गया नई दिल्ली में। देखिए, कुछ कुछ ही ऐसा है जो दिल्ली के बाहर हुआ है, ज्यादातर जो सम्मेलन है वो दिल्ली में ही किया गया है। ठीक है, देखिए अगला है 15 से 22। देखिए, स्कैन सही नहीं हो पाया है, इसके लिए सॉरी, इसका पीडीएफ थोड़ा सा कहीं कहीं पे खराब धुंधला आया है। ठीक है, लेकिन मैं पढ़ता हूँ इसको, ठीक है, क्लियर पढ़ूंगा। 15 से 22 दिसंबर 2017 के मध्य 2रे सेरेंडिपिटी कला महोत्सव, ठीक है, सेरेंडिपिटी कला महोत्सव,
2017 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? ये किया गया पणजी में, ठीक है, पणजी। यह मांडवी नदी के तट पर आयोजित होने वाला एक बहुविषयक कार्यक्रम था, तो इसको याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। 11 से 13 दिसंबर 2017, 11 से 13 दिसंबर 2017 के मध्य सातवां अंतर्राष्ट्रीय भूजल सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? सातवां इंटरनेशनल भूजल सम्मेलन जो है ये कहाँ पे संपन्न हुआ है? 11 से 13 दिसंबर 2017 के बीच में, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर का, ये हुआ है नई दिल्ली में, नई दिल्ली। और इसका मेन थीम जो था, मेन थीम इसका क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न है इसका, उसका थीम जो है सम्मेलन या समारोह का मेन थीम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। देखिए इसका मेन थीम था भूजल विजन 2030, जल सुरक्षा चुनौतियां और जलवायु परिवर्तन अनुकूलता, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 11 से 12 दिसंबर 2017 के मध्य दूसरा UNWTO यूनेस्को विश्व पर्यटन एवं संस्कृति सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 11 से 12 दिसंबर 2017 के मध्य में, ठीक है, यूनेस्को विश्व पर्यटन एवं संस्कृति सम्मेलन ये हुआ है मस्कट में, ठीक है, मस्कट में। देखिए यह है ओमान की राजधानी, मस्कट जो है वो है ओमान की राजधानी, और इसका मेन जो थीम था वो था सतत विकास को बढ़ावा देना, ठीक है, सतत विकास को बढ़ावा देना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसके बाद है 11 से 12 दिसंबर 2017 के मध्य आसियान भारत संपर्क शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? 11 से 12 दिसंबर 2017 के मध्य आसियान भारत संपर्क शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, आसियान भारत संपर्क शिखर सम्मेलन ये हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है। और देखिए विदेशों के साथ जो भी सम्मेलन होता है वो ज्यादातर दिल्ली में ही होता है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इसका थीम क्या था, इसका मेन जो विषय था, मेन जो थीम था वो था 21वीं सदी में एशिया के लिए डिजिटल और भौतिक संपर्क को बढ़ावा देना। 21वीं सदी में एशिया के लिए डिजिटल और भौतिक संपर्क को बढ़ावा देना, इसका मेन उद्देश्य, मेन थीम, मेन विषय था, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट इसको कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखाई पड़े। चलिए अभी जो है क्लियर दिखाई दे रहा होगा। 5 से 7 दिसंबर, थोड़ा सा और जूम आउट करता हूँ, हाँ, 5 से 7 दिसंबर 2017 के मध्य छठा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हाट, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हाट कहाँ आयोजित हुआ? 5 दिसंबर 2017 के मध्य छठा है ये, ठीक है, 6th अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हाट कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया है गुवाहाटी में, ठीक है, गुवाहाटी में। चलिए आगे चलते हैं। दिसंबर 2017 में आयोजित भूजल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? अभी जस्ट हमने देखा भूजल का, भूजल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था, काफी महत्वपूर्ण है ये, तो ये था भूजल विजन 2030, जल सुरक्षा चुनौतियां एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलता, अभी जस्ट इसके बारे में हमने देखा, ठीक है। इसके बाद है दिसंबर 2017 में आसियान भारत संपर्क शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? देखिए फिर से ये क्वेश्चन जो है शायद रिपीट हो गया है, इसलिए इसको स्किप करते हैं। 2 दिसंबर 2017 में, 2 दिसंबर 2017 में संपन्न लखनऊ कॉन्फ्रेंस, काफी महत्वपूर्ण है ये लखनऊ कॉन्फ्रेंस, ये जो है, सॉरी, दिसंबर 2017 में, ठीक है, दिसंबर 2017 में लखनऊ कॉन्फ्रेंस किससे संबंधित है? ये है सड़क से, लखनऊ कॉन्फ्रेंस जो है ये संबंधित है सड़क से। देखिए 8 से 9 दिसंबर 2017 के मध्य लखनऊ कॉन्फ्रेंस का आयोजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के भारत रत्न अटल बिहारी सभागार में किया गया। लखनऊ कॉन्फ्रेंस का मेन जो थीम था वो था सड़क निर्माण हेतु नई तकनीक, सड़क निर्माण के लिए नई तकनीक इसका मेन विषय, मेन थीम था, ठीक है। इसके बाद है दिसंबर 2017 में खेल औषधि एवं खेल विज्ञान पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
साइकॉन 2017, ये पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था साइकॉन 2017, ये कहाँ पे आयोजित हुआ? ये हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, साइकॉन 2017 जो है ये औषधि एवं खेल विज्ञान पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। ठीक है, और ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली। देखिए, इससे संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण है ये। 9 से 9 दिसंबर 2017 के मध्य दिल्ली में खेल औषधि एवं खेल विज्ञान पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन साइकॉन, ठीक है, साइकॉन 2017 का आयोजन किया गया। और इसका मेन जो थीम था वो था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, मतलब कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो गेम्स हैं, खेल से स्पोर्ट्स हैं, उसमें भी लक्ष्य को प्राप्त करना, स्कोरिंग गोल्स इन स्पोर्ट्स विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये था इसका मेन थीम। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है, चलिए आगे चलते हैं। नवंबर 2017 में INA स्थित दिल्ली हाट में आदि महोत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? आदि महोत्सव जो है इसका आयोजन किस मंत्रालय द्वारा, किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये किया गया है दिल्ली, INA स्थित दिल्ली हाट में? ठीक है, ये हुआ है जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए इससे संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं। 16 से 30 नवंबर 2017 के मध्य नई दिल्ली के INA स्थित दिल्ली हाट में आदि महोत्सव, ठीक है, का आयोजन किया गया। महोत्सव का मेन जो थीम था वो था आदिवासी संस्कृति, व्यंजन और व्यापार की भावना का उत्सव। ठीक है, आदिवासी संस्कृति, व्यंजन और व्यापार की भावना का उत्सव इसका मेन थीम था। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है, नवंबर 2017 में 42वीं ICMM, ठीक है, ICMM, ठीक है, ICMM वर्ल्ड कांग्रेस ऑन मिलिट्री मेडिसिन, वर्ल्ड कांग्रेस ऑन मिलिट्री मेडिसिन का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? ये 42वां है। ठीक है, ये किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में 19 से 24 नवंबर 2017 के मध्य नई दिल्ली में 42वीं ICMM वर्ल्ड कांग्रेस ऑन मिलिट्री मेडिसिन का आयोजन किया गया। इसका मेन जो थीम था वो था मिलिट्री मेडिसिन इन ट्रांजिशन लुकिंग अहेड, मिलिट्री मेडिसिन इन ट्रांजिशन लुकिंग अहेड इसका मेन थीम था, मेन विषय था। चलिए आगे चलते हैं। नवंबर 2017 में 8वें वैश्विक उद्यमिता, नवंबर 2017 में 8वें वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है, 8वें वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन का आयोजन जो है वो किया गया हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में। और देखिए, 28 से 30 नवंबर 2017 के मध्य हैदराबाद तेलंगाना में 8वें वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन का आयोजन भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तो देश भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से देश के बीच हुआ है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ये संयुक्त रूप से किया गया है। ठीक है, सम्मेलन का मुख्य जो थीम था, मेन विषय था, वो था सबसे पहले महिलाएं सभी के लिए समृद्धि, सबसे पहले महिलाएं सभी के लिए समृद्धि, वोमेन फर्स्ट प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल। ठीक है, यह पहला अवसर है जब दक्षिण एशिया में वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और देखिए, सम्मेलन में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो है वो इवांका ट्रंप ने किया। सम्मेलन का उद्घाटन 28 नवंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके बाद है, नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर 5वें वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर 5वें वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इसका
व्याख्या जो इससे संबंधित कुछ बातें हैं वो भी देख लेते हैं। 23 से 24 नवंबर 2017 के मध्य नई दिल्ली में साइबर स्पेस पर 5वें वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का मेन जो थीम था, मेन विषय था, वो था सभी के लिए साइबर स्पेस, सतत विकास के लिए एक सुरक्षित और समावेशी साइबर स्पेस। ठीक है, नवंबर 2017 में 10वें दक्षिण एशिया आर्थिक सम्मेलन, ठीक है, 10वें दक्षिण एशिया आर्थिक सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया? नवंबर 2017 में 10वें दक्षिण एशिया आर्थिक सम्मेलन का आयोजन ये किया गया काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, 14 से 16 नवंबर 2017 के बीच काठमांडू में 10वें दक्षिण एशिया आर्थिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का मुख्य जो थीम था वो था दक्षिण एशिया में समावेशी और सतत विकास के लिए आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा। ठीक है, तो जो थीम है उसको बिल्कुल याद रखिएगा। नवंबर 2017 में विश्व अंतर्राष्ट्रीय भारतीय बाल फिल्म महोत्सव, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये विश्व अंतर्राष्ट्रीय भारतीय बाल फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? देखिए, नई दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हैदराबाद। ठीक है, ऑप्शन सी हैदराबाद, हैदराबाद। ठीक है, और देखिए महोत्सव का मेन जो विषय था, मेन जो थीम था, वो था न्यू इंडिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या था? न्यू इंडिया। चलिए आगे चलते हैं। नवंबर 2017 में पेट्रोकेमिकल, नवंबर 2017 में पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव, पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव 2017 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया भुवनेश्वर में। ठीक है, भुवनेश्वर में, ये है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। कॉन्क्लेव का मुख्य जो विषय था, थीम था, वो था पूर्वोदय, पूर्वी भारत में नए निवेश अवसरों का उदय। ठीक है, इसके बाद है नवंबर 2017 में 12वां पूर्वोत्तर व्यवसाय सम्मेलन, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 12वां पूर्वोत्तर व्यवसाय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? यह हुआ नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में 16 से 17 नवंबर 2017 के मध्य नई दिल्ली में 12वें पूर्वोत्तर व्यवसाय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, सम्मेलन का उद्देश्य जो था वो था भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कारोबार के अवसर का पता लगाना। ठीक है, सम्मेलन की का भागीदार राज्य जो था वो था मणिपुर। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि भागीदार राज्य जो है, स्टेट जो है, वो कौन है? वो है मणिपुर। ठीक है, तो ये था हमारा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो है वो बहुत ही जल्द आएगा, और 2018 का भी जो करंट अफेयर वो भी बहुत जल्द आएगा। तो मतलब कि 15 दिन में हम लोगों को सारे करंट अफेयर को कंप्लीट करना है, जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। तो वीडियो जो है वो कैसा लग रहा है आप लोगों को, जरूर कमेंट में बताइएगा, और कोई क्वेरी हो वो भी बताइएगा, और एक चीज़ और, प्लीज़ दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।